जय जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी टोटका बताऊंगा। इस टोटके को कर देने मात्र से आप मन चाहे स्त्री या पुरुष को वशीभूत कर लेंगे और वह आपके प्यार में पागल हो जाएगी। पागल होने का रीजन यह है कि इसमें जो विधि है, जो उपाय है, उसे आपको संपूर्ण समर्पण से करना है। जिस प्रकार से किसी भी चीज को चलाने के लिए अंदर की शक्ति ही कार्य करती है, चाहे आप मोटर या कार या गाड़ी को ही देख लीजिए, उसकी अंदर की जो इंजन है वही उसे चलाती है, वही उसका महत्वपूर्ण चीज है। उसी प्रकार इंसान को भी देख लें तो उसके अंदर की जो चीजें हैं, अर्थात चाहे किडनी को लें, हृदय को लें, लीवर को लें, किसी भी तरह से ये अंदर की चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन यही जब स्वस्थ है तभी हमारी शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप से चल सकती है। उसी तरह इस विधि को या किसी भी उपाय को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए आपके अंदर की चीजें मायने रखती है, और वह अंदर की चीज है मित्रों आपका संपूर्ण समर्पण, विश्वास की भावना। याद रखिए, जब आप विश्वास कर लेते हैं कि आपका काम होगा तो वहां पास आपका 90% कार्य सफल हो ही जाता है। जो 10% का रहता है वह सिर्फ विधि उपाय टोटके या मंत्र से होता है। 90% सिर्फ आपके विश्वास करने से ही हो जाता है। तो इस उपाय को संपूर्ण विश्वास से करिए और इस विधि को करने के बाद न जाने कितने लोगों को चमत्कारी परिणाम मिले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उन्हें उनका प्यार भी मिला है, यहाँ तक कि कई लोग अपने घर भी बसाए हैं। तो आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार के बेला शुभ्र प्रभात में, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त प्रभात शुभ्र बहुत ही पवित्र बेला में, जिसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से पहले, इस विधि को करना है। करना क्या है, आपको कुछ सामग्री लेनी है, ध्यान से सुनिए। 3 लाल मिर्च लेनी है, 3 लौंग लेनी है, लाल मिर्च और 3 लौंग। इन दोनों को आपको एक काले कपड़े में, छोटे से काले से कपड़े ले लीजिए, उसमें बांध दीजिए और ऐसी जगह पर जाइए जहां पर आपको चौराहा मिले, दिखे। इस विधि को आप बहुत ही जल्दी कर लीजिए, जिस समय भीड़ भाड़ ना हो, अर्थात 5 बजे, 5:30 बजे या हो सके तो 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि यह विधि कोई देखे ना तभी संपूर्ण रूप से आपको परिणाम देगी। तो 5 बजे आसपास करिए सुबह, और उसके बाद इसे ले जाकर चौराहे पास आपको खड़ा होना है। अपने सिर से लेकर पैर तक इस पूरे सामग्री को 3 बार उतारना है। 3ों बार उस स्त्री या पुरुष का नाम लेना है जिसे आप वशीभूत कर रहे हैं, और 3 बार यह बीज मंत्र आपको बोलना है उसी समय। ध्यान से सुनिए मंत्र को। ओम शिवे महादेवाय क्लीम शरीरे मच मच देही क्लीम फट। ओम शिवे महादेवाय क्लीम शरीरे मच मच देही क्लीम फट। यह मंत्र प्रत्येक बार बोलना है, अर्थात 3 बार। जब आप उतारेंगे फिर मंत्र बोलिए, फिर दूसरी बार उतारेंगे फिर मंत्र बोलिए, इस तरह से। और उसके बाद उसे वहीं पास चौराहे के बीच में छोड़ देना है। जब आप वापस आए तो उस चीज को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज यह है मित्रों कि जब इस विधि को करके आप अपने घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले शुद्ध हो जाए, कम से कम जल छिड़क ले, उसके बाद आप पवित्र हो जाएंगे। और इस विधि को करने के बाद आपके पास ऐसा कोई राह नहीं रहेगा कि आप इसमें सफल ना हो, बशर्ते जो मैंने बताया है, संपूर्ण समर्पण दीजिए और संपूर्ण विश्वास के साथ इस विधि को करिए। बाकी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता हो, कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो जो नंबर आपको व्हाट्सएप में मिला है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, जो डिस्प्ले में आपको शो हो रहा है। जय जय माता दी मित्रों।